जैसा कि इससे पहले वीडियो के अंदर बताया गया कि खुफैन के ऊपर मसह करना जायज़ है, तो उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का मजहब यह है कि खुफैन के ऊपर मसह करना जायज़ है, लेकिन उसकी चंद शरायत हैं। चंद शरायत ऐसी हैं कि अगर वो पाई जाएंगी तो उन्हीं को खुफैन कहा जाएगा और उसी वक्त उनके ऊपर मसह करना जायज़ होगा। तो ऐसी चंद शर्तें, चंद चीज़ें जिक्र की हैं उलमा ने कि जिनके रहते हुए खुफैन के ऊपर मसह करना जायज़ होगा। अगर उनमें से कोई एक शर्त भी नहीं होगी तो खुफैन के ऊपर मसह करना जायज़ नहीं होगा। पहली शर्त यह है कि खुफैन इतने बड़े हों, यानी चमड़े के मोजे इतने बड़े हों कि वो टखने समेत पूरे कदम को छुपा लें, यानी मोजे इतने बड़े हों कि जिनके अंदर टखने समेत पूरा पैर ढक जाए, छुप जाए। तो ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि खुफैन का जो शेप हो, उसका जो डिज़ाइन बना हुआ हो, वो पैर की शेप जैसा हो। जैसे पैर इंसान के बने हुए हैं, पैरों की जो शक्ल है, तो जो खुफैन है वो भी उसी शक्ल के बने हुए हों। ऐसा ना हो जैसे हाथ पूछने का रुमाल होता है, रुमाल टाइप कोई चौकोर या तिकोन वाला कोई कपड़ा हो, कोई चमड़ा हो, और उससे जो है कदम को बांध लिया जाए, ढांक लिया जाए। तो फरमाया कि दूसरी शर्त यह है कि जो खुफैन हों वो पैरों के डिज़ाइन के बने हुए हों, जैसे पैरों की शेप है, शक्ल है, इसी तरीके से खुफैन की शक्ल हो। तीसरी शर्त यह है कि वो खुफैन यानी चमड़े के मोजे इतने मोटे हों कि उनको पहन करके जूता पहने बगैर तकरीबन 5 किलोमीटर पैदल आदमी चल सके। यानी तीसरी शर्त यह है कि खुफैन मोटाई के अंदर इतने मोटे हों कि उनको पहन लिया जाए और जूता ना पहना जाए, बल्कि सिर्फ खुफैन पहन करके तकरीबन 5 किलोमीटर, एक फरसख, हदीस में फरमाया गया एक फरसख जिसकी मील के एतबार से तकरीबन 3 मील होता है और किलोमीटर के एतबार से तकरीबन 5-5.5 किलोमीटर होता है, तो वो इतने मोटे हों कि जिनको पहन करके तकरीबन 5 किलोमीटर आदमी पैदल चल सके और पैदल चलने में वो फटने नहीं चाहिए। तो अगर इतने मोटे हैं तो उनको पहन करके उनके ऊपर मसा करना जायज़ है। ये तीसरी शर्त है। चौथी शर्त ये है कि वो खुफैन पैरों पर बगैर बांधे खुद बखुद टिक सकें, यानी किसी रस्सी वगैरह से उनको बांधना न पड़े। ऐसे ही जो आजकल मोज़ों के अंदर जो लास्टिक आती है, रबड़ जो आती है, वो ना हो, बल्कि बगैर किसी चीज़ के बांधे, बगैर बाहरी किसी रुकावट के अपनी मोटाई की बिना पर वो खड़े रह सकते हों, बिना बांधे पैरों पर टिक सकें। ये चौथी शर्त है। ये चौथी शर्त पाई जाएगी तो खुफैन के ऊपर मसा करना जायज़ होगा। ऐसे ही पांचवी शर्त ये है कि खुफैन इतने मोटे हों कि उनको पहनने के बाद अगर बंदा पैर धुलना चाहे तो पानी पैरों तक ना पहुंच सके, यानी उनकी मोटाई इतनी हो कि अगर बंदा पैर धुलना चाहे या उनके ऊपर मसाह करना चाहे, जब मसाह करेगा तो पानी पैरों तक ना पहुंच सके। अगर वो इतने मोटे नहीं हैं, जैसा कि आजकल ऊनी मोज़े होते हैं, सूती मोज़े होते हैं, कि अगर पैर धोए जाएं तो पूरा पानी पैरों तक पहुंच जाएगा, तो ऐसे मोज़े के ऊपर मसाह करना जायज़ नहीं होगा। तो पांचवी शर्त यह है कि वो इतने मोटे हों कि अगर पैरों को धुला जाए तो पानी ऊपर से ही बह जाए, पैरों तक ना पहुँचे। और छठी शर्त यह है कि उनके अंदर इतनी फटन ना हो, यानी इतने फटे हुए ना हो कि जिनसे मसह करना जायज़ ना हो, यानी मसह के लिए जो फटन रुकावट बनती हो, इतनी फटन उसके अंदर ना हो। और कितना फटना मसह के लिए रुकावट बनता है, तो उसकी मकदार उलमा ने पैर की 3 छोटी उंगलियों के बराबर करार दी है। यानी अगर खुफैन या मोज़े पैर की छोटी 3 उंगलियों के बराबर, चाहे तो एक ही जगह से फटा हुआ हो या अलग अलग जगह से फटा हुआ हो, अगर पैर की छोटी 3 उंगलियों के बकदर अगर मोज़ा फटा हुआ है, खुफैन फटा हुआ है, तो फिर उसके ऊपर मसाह करना जायज़ नहीं है। तो छठी शर्त यह है कि उनके अंदर इतनी फटन ना हो, खुफैन या मोज़े इतने फटे हुए ना हों कि जो मसाह के लिए रुकावट बन सके। ऐसे ही सातवीं शर्त यह है कि खुफैन जब पहने जाएं तो मुकम्मल तहारत हासिल करने के बाद पहने जाएं। मुकम्मल तहारत का मतलब यह है कि बंदे ने या तो वुजू किया हो, वुजू मुकम्मल करने के बाद, यानी जब शुरू में वुजू करेंगे तो पैरों को धुलेंगे, पैरों को धुलने के बाद उनको पहना हो, या तो आदमी ने गुस्ल किया हो और गुस्ल करने के बाद फिर उनको पहना हो। तो मुकम्मल तहारत हासिल करने के बाद खुफैन को पहना हो और फिर जब अगले वुजू का वक्त आए तो फिर उनके ऊपर मसा किया जाए। तो सातवीं शर्त यह है कि खुफैन को जो पहना हो वो मुकम्मल तहारत हासिल करने के बाद पहना हो। तहारत चाहे तो वुजू के जरिए से हासिल की गई हो और चाहे गुस्ल के जरिए से हासिल की गई हो।
आठवीं शर्त ये है कि जो तहारत हासिल की गई है वो तयम्मुम के जरिए तहारत हासिल ना की गई हो, यानी तहारत के बाद उनको पहना गया हो लेकिन ये तहारत तयम्मुम के जरिए हासिल ना की गई हो, बल्कि या तो वुजू के जरिए से हासिल की गई हो और या तो गुस्ल के जरिए से हासिल की गई हो। अगर आदमी के पास पानी नहीं था और उसने तयम्मुम किया है, तो अब तयम्मुम करने के बाद चूंकि पाकी हासिल हो जाती है और आदमी नमाज वगैरह पढ़ सकता है, लेकिन ऐसी तहारत जो तयम्मुम से हासिल की गई हो उसके बाद मोजे पहनना, खुफैन पहनना जायज नहीं है, बल्कि ऐसी तहारत के बाद पहन सकते हैं कि जो वुजू वगैरह से हासिल किया गया हो। नवी शर्त यह है कि जो मसह करने वाला है वो जुनबी ना हो। जुनबी का मतलब है यानी बड़ी नापाकी, यानी जिसे गुस्ल वगैरह की हाजत पेश आ गई हो, या तो निफास वाली औरत हो, या तो हाइजा औरत हो, या तो जो है आदमी को एहतलाम हो गया हो, या बीवी से हमबिस्तरी वगैरह की हो, तो मसाह करने वाला या करने वाली नापाक ना हो। अगर नापाकी की हालत में खुफैन पहन लिए और फिर वुजू करना चाहे तो याद रखिए कि फिर खुफैन के ऊपर मसाह करना जायज नहीं है। वो नापाक ना हो, चाहे नापाकी छोटी हो और चाहे नापाकी बड़ी हो, यानी बेवुजू आदमी खुफैन पहन ले, या आदमी को गुस्ल की हाजत थी और उसने खुफैन पहन लिए और अब वो बाद में वुजू करता है और फिर खुफैन के ऊपर मसा करता है, तो याद रखिए कि ये जायज नहीं है। बल्कि वुजू करने के बाद यानी आदमी जनाबत से पाक हो चुका हो, जनाबत चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो जनाबत से पाक होने के बाद खुफैन पहने, अगर आदमी जनाबत की हालत में है फिर खुफैन पहने, फिर वुजू करते हुए खुफैन के ऊपर मसा करना चाहे, तो याद रखिए ये जायज नहीं है। नवी शर्त यह है कि आदमी जनाबत की हालत में ना हो, जनाबत से पाक हो, पाक होने के बाद फिर खुफैन पहने और फिर जब अगले वुजू का वक्त आए तो फिर आदमी मसा करे। ऐसे ही 10वीं शर्त और आखिरी शर्त उलमा ने यह बयान की है कि अगर किसी शख्स का पैर कटा हुआ है और उसने खुफैन पहने हुए हैं, तो उसके लिए खुफैन के ऊपर मसा करना जायज तब होगा जबकि उसके पैर का जो हिस्सा है, उसके पैर का जो आगे का हिस्सा है, वो कम से कम 3 उंगलियों के बकदर बाकी रहा हो। अगर किसी आदमी का पैर पिंडली तक कटा हुआ है और उसके ऊपर उसने खुफैन पहने हुए हैं, तो याद रखिए कि ऐसे शख्स के लिए भी मसा करना जायज नहीं होगा। अगर किसी का पैर कटा हुआ है तो कम से कम 3 उंगलियों के बकदर उसके पैर का हिस्सा, आगे की तरफ से पैर का हिस्सा 3 उंगलियों के बकदर मौजूद होना चाहिए, फिर वो खुफैन पहन करके मसा करता है तो जायज है। अगर 3 उंगलियों से कम पैर के उसका हिस्सा बाकी है तो फिर ऐसे शख्स के लिए मसा करना जायज नहीं होगा। तो उलमा ने ये 10 शर्तें बयान की हैं मसा अल खुफैन के जवाज की। अगर ये 10 शर्तें पाई जाएंगी तो उस वक्त मसा करना जायज होगा, अगर ये शर्तें नहीं पाई जाएंगी तो फिर याद रखिए कि खुफैन के ऊपर मसा करना जायज नहीं होगा। आखिर में एक बात ये याद रखते चलें कि हम अहनाफ के नजदीक आजकल जो सूती मोजे, ऊनी मोजे जो चल रहे हैं, उनके ऊपर मसा करना जायज नहीं है, इसलिए कि उनके अंदर ये शरायत नहीं पाई जाती। तो जो ऊनी मोजे हैं उनके ऊपर मसा करना जायज नहीं है, बल्कि मोजे या तो चमड़े के हों, जैसा कि आजकल चमड़े के ही खुफैन होते हैं, या तो वो इतने मोटे हों जैसा कि शरायत के अंदर बयान किया गया कि पानी धोने की सूरत में पानी पैरों तक ना पहुंच सके और उनको पहन करके 5 किलोमीटर चला जा सके, ऐसे ही बगैर बांधे या बगैर रबड़ के वो खुद अपनी जात के एतबार से पैरों पर टिक सके। तो ये शरायत चूंकि आज के जो ऊनी मोजे हैं, सूती मोजे हैं, उनके अंदर नहीं पाए जाते, इसलिए उलमा फरमाते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे आजकल के जो आजकल चलते हैं ऊनी या सूती मोजों के ऊपर मसह करना जायज नहीं है। साथ साथ में ये भी मसला याद रखते चले कि चूंकि ऐसे मोजों के ऊपर हमारे यहाँ मसह करना जायज नहीं है, तो ऐसा इमाम के जो ऊनी या सूती मोजों के ऊपर मसह करके नमाज पढ़ाता हो तो उसके पीछे नमाज पढ़ना भी जायज नहीं है। अगर हमें ये मालूम हो जाए, ये पता चल जाए, जैसा कि गल्फ के अंदर, सऊदी वगैरह के अंदर बाज़ हज़रात इसके कायल हैं और वो उस ऊनी या सूती मोजों के ऊपर मसह कर लेते हैं, तो अगर यकीनी ये बात मालूम हो जाए कि इस इमाम ने जो ये सूती या ऊनी मोजे हैं इनके ऊपर मसह किया है और फिर वो नमाज पढ़ा रहा है उस वजू से, तो ऐसे इमाम के पीछे नमाज नहीं होगी। अगर पढ़ ली है तो नमाज को दोहराना होगा या तो शुरू से अपनी इनफरादी नमाज पढ़ें। और अगर यकीनी तौर पर ये बात मालूम नहीं है कि इसने पैर धुलने के बाद ये मोजे पहने हैं कि नहीं पहने हैं, अगर यकीनी तौर पर मालूम नहीं है तो फिर नमाज हो जाएगी। बेहतर ये है कि ऐसे इमाम के पीछे जिसके बारे में ये यकीन हो कि ये ऊनी या सूती मोजे के ऊपर मसा करता है, तो फिर ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ने से गुरेज करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। तो ये चंद मसाइल थे खुफैन के ऊपर मसा करने के, कुछ और बाकी हैं वो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर बयान करेंगे। दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए और दीन के मसाइल सीख करके उनके मुताबिक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।